हेलो गाइस, नया दिन नई शुरुआत। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड सुबह के आई थिंक 10 बज रहे हैं और मैं सो के उठी हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब जल्दी उठ गई थी, 9:30 बजे अराउंड। जल्दी तो नहीं है बट यस, उठ गई थी बिकॉज मेड्स आई थी तो बेल बजाई, तो उसी के बाद से उठी हूँ। मीशो यहाँ है नहीं, मीशो आउट ऑफ इंडिया गया है। तो मीशो अगर आप ये देख रहे हो तो मिस यू मिस यू। यस, तो मैंने सोचा आज मैं क्या करती हूँ क्या नहीं आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ करने को नहीं है, दिन भर बोर होती हूँ, ऑफिस का काम करती हूँ, बट स्टिल जो होगा वो मैं आपको बताऊंगी। एंड चलिए, सबसे पहले मेड आई थी बट मुझे कुछ खाना बनवाना नहीं था, तो मैंने उनको बोला बस क्लीनिंग कर दो और आप जाओ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जब खाऊंगी तभी बनाऊंगी। बड़ा अमेजिंग सा वेदर हो रखा है, दिखाती हूँ। हल्की हल्की सी धूप आई हुई है यहाँ पे, देखिए। तो सबसे पहले मैं उठ के कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ अपनी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ मेरी कॉफ़ी में। आप मेरे साथ रहिए एंड टेस्ट बताइए कैसे लगेगी आपको कॉफ़ी। तो ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले एक कप मग लेंगे, उसको माइक्रोवेव में रखेंगे। ये कॉफ़ी डाल के गर्म पानी में, उसके बाद मैं थोड़ा सा कोल्ड प्रेस्ड फ्लैक्स सीड ऑयल डालती हूँ बिकॉज गुड फैट्स। तो मैं आजकल ना लो कार्ब डाइट खा रही हूँ जिसमें कार्ब्स नहीं होती हैं, सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो गुड फैट के लिए थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, एकदम थोड़ा सा, और दिखाने के लिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए। नहीं हुआ है, बस और इसे मस्त अपने बालकनी में एंजॉय करूंगी अकेले बिकॉज मीशो गए हुए हैं बाहर ऑफिस काम से। प्रोबेबली इन अ वीक ही विल बी बैक। सन आगे आता है तो आईज नहीं खुलती, ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या? जबकि सन इज इन अपोजिट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आईज ओपन कर रही हूँ तो मुझे सन देखना पड़ रहा है, दैट इज इन दैट साइड, बट स्टिल ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी की एक अमेजिंग बात बताती हूँ आपको। रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली तो मैं ब्लैक कॉफी पी रही थी, तो मैंने उसे जस्ट ऑफर किया कि ब्लैक कॉफी पियोगी, बट वो ब्लैक कॉफी नहीं पीती है और उसको आई थिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज थोड़ी बिटर होती है। तो वो मुझे बोलने लगी, गुस्से में बोलती है, अगर इसमें दूध डाल दोगे तो आपको क्या नुकसान हो जाएगा। मुझे इतना मस्त लगी उसकी बात में, अरे यार कोई नुकसान नहीं होगा, बट इट्स जस्ट पीते हैं ऐसे, तो ठीक है पीते हैं। ठीक है, तो मैं अभी कॉफ़ी पीती हूँ और उसके बाद और क्या क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ। उसके बाद मैंने लॉग इन कर लिया था क्योंकि टाइम हो गया एंड साथ में मैं अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए, ओके तो मैं नहा के आ गई हूँ एंड मैं यूजुअली क्या करती हूँ, लॉग इन कर लेती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग या कॉल्स होते तो वो कर लेती हूँ और नहीं तो तुरंत नहाकर आ जाती हूँ। तो वैसे भी आज मेरे कलीग से वो मतलब छुट्टी पे था काफ़ी बड़ी, तो वो वापस आ गया था, तो ही वॉज देयर, वो गया था हज पे मक्का मदीना। तो फिर मैंने सोचा कि मैं फटाफट नहाकर आ जाती हूँ एंड नहाकर आ गई तो फिर मैं अभी क्विकली अपना लंच बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा आज लंच की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए, तो मैं आज क्या बना रही हूँ उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो आज मैं जो बना रही हूँ वो है दाल चावल की खिचड़ी। आप लोगों ने को पता होगा ये दाल चावल की खिचड़ी कैसे बनती है, बट मैं एक अलग रेसिपी से आपको आज बताने वाली हूँ जो मुझे मीशो ने सिखाई है। मतलब वो अक्सर बनाते तो इतनी यम्मी लगती थी, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। एंड यूजुअली क्या होता है, ये बीमारों के लिए बनती है ऐसा कंसेप्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत स्पेशल चीज़ के साथ बनाती हूँ, तो मैं वो आज आपको बताती हूँ कैसे। तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ये, आप देख सकते होंगे, यस। तो ये ऑरिक ब्रांड का A2 देसी काऊ घी है। मैं अक्सर अपना
जो घी वाली चीज़ है वो इसी में बनाती हूँ, एंड ट्रस्ट मी इसमें आप जो फूड बनाएंगे ना दैट इज़ बियॉन्ड डिलीशियस। मतलब कि खिचड़ी यूजुअली किसी को भी पसंद नहीं होती है, आई एम रियली श्योर कि किसी का फेवरेट फूड तो खिचड़ी नहीं होती होगी, बट आफ्टर दिस घी खिचड़ी मेरा फेवरेट फूड हो गया है। तो मैं अगर अकेले रहती हूँ, मीशू भी रहते हैं तो भी बनाती हूँ, उनको भी बड़े पसंद आती है, एंड अपने लिए तो मैं अक्सर इस घी में खिचड़ी बनाती हूँ, एंड इतना अमेजिंग लगता है। तो इस घी की स्पेशल बात क्या है वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो ये ट्रेडिशनल बिलोना मेथड जो होता है, यू नो, पहले इसका कर्ड बनाकर उसको ऐसे कर, मतलब वो बिलोना मेथड होता है, उससे मक्खन बनाते हैं और फिर घी बनाते हैं। तो आजकल तो आई थिंक यू नो दैट पुराने ट्रेडिशन एंड ऑल सब कुछ चले गए हैं। दूध गर्म करते हैं, बॉयल होता होता मलाई एंड ऑल, फिर घी बन जाता है। तो यूजुअली जो भी सारे मार्केट में मिलते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो मैंने ये रिसेंटली ट्राई किया, वैसे भी आई लव ऑरिक ब्रांड इसका। पहले मैंने कड़क चाय, स्पेशल चाय है वो भी यूज़ की, ट्राई किया है। इसकी कॉफ़ी भी ट्राई की, इनकी इसकी हॉट चॉकलेट भी। सबसे बेस्ट पार्ट इसकी होती है, हर एक जो इसका प्रोडक्ट है वो इतना स्पेशल होता है। जैसे कि चाय भी जो है उसमें आपको कोई मसाला वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ इनबिल्ट रहता है। हॉट चॉकलेट अश्वगंधा के साथ आता है, तो सोचिए टेस्ट भी हेल्दी भी। एंड इसका जो कॉफ़ी रहता है उसमें भी कुछ यू नो टर्मरिक एंड ऑल का मिक्सचर रहता है, तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्दी। एंड अभी जब हम मेन इसकी बात करें तो ये इतना दानेदार, इतना प्योर, इतना टेस्टी है कि आप यू नो ऐसे ही जब इसको खोलेंगे तो ऐसे ही खा लेंगे। एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, जैसे ही ओपन करके आती है, हा हा हा, मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब यू कि पहले वाले टाइम में जो प्योर होता था और गिर गाओ काऊ का यू नो वो कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग है। चलिए इसमें अब खिचड़ी बनाते हैं। एंड अगर आपको ये लेना है, वेरी कॉस्ट एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ऑफकोर्स अगर A2 गाय का घी है एंड वो भी दानेदार एकदम प्योर, आपको इसके कलर से पता चल रहा होगा, देखिए कि एकदम प्योर है, तो ऑफकोर्स आपको लगता होगा बहुत एक्सपेंसिव है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम अफोर्डेबल है, आप आराम से इसको खरीद सकते हैं। तो अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अमेजोन से खरीद सकते हैं, इसकी वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं, वहां से जाके खरीद लिए एंड मुझे थैंक्स करना ना भूले। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले ये ऑरिक का जो स्पेशल घी है वो हम लेंगे 1 स्पून। हाँ, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस है मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, बहुत ही अमेजिंग। एंड जब ये घी को थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, जो घी की एकदम प्योर होती है ना, जो खाने से टैम्ट होने लगता है हमको, एग्जैक्टली वही स्मेल आ रही है। और जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे जीरा। जीरा काफ़ी सारा आप डाल सकते हैं क्योंकि इसमें प्लेन बना रही हूँ, तो यू नो थोड़ा सा जीरा होता है तो अच्छा होता है। उसके बाद मैं डालूंगी हींग। हींग आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, देखिए। ये घी और हींग की जो फ्रेग्रेंस मिलके आती है ना, स्पीचलेस हूं मैं, उसको क्या डिस्क्राइब करूं वही नहीं पता। इतनी अमेजिंग घी और हींग की खुशबू जो मिलकर, और ये ऑरिक वाला जो दानेदार घी है इसकी, आ हा 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 हा। 2 मिनट को हम इसको यू नो जीरे को क्रैकल होने देंगे। उसके बाद चावल और मूंग की दाल को मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था, बस वो डालना है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा नमक आपके स्वाद अनुसार एंड थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ बिकॉज मुझे बहुत खाना पसंद है। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, बट टुडे आई वांट टू ईट एकदम प्लेन सिंपल, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। बस इसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। जितनी हमने खिचड़ी थी मिक्स होके उससे थोड़ा ज्यादा पानी लेंगे, देखिए। बस उसके बाद हम कुकर को लगा देंगे
एंड इसके 10-15 सीटी आने देंगे। ये आई नो ये दिस इज वेरी वियर्ड कि 10-15 सीटी, बट इतनी अमेजिंग खिचड़ी बनती है ना, दाल में चावल और चावल में दाल मिक्स हो जाती है, एकदम मिक्स हो जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस इसको लगाकर अभी मैं बंद करूंगी और 10-11 सीटी आने तक का वेट करूंगी, एंड जब कुकर ओपन होगा तो आप लोगों से मिलूंगी। तो ये देखिए मेरी अमेजिंग सी खिचड़ी तैयार है, आप लोग को दिख रहा होगा एकदम दाल में चावल मिक्स है, ये बीमारों के लिए भी बेस्ट है। और अगर आप और एक घी में बनाएंगे तो ये सो अमेजिंग कि आपको भी एकदम खाने का मन होगा। साथ में मैंने कुकुम्बर मेड को बोला था काट के जाए तो वो रख कर गई थी, साथ में मैं दही खा रही हूँ, आप चाहें तो साथ में अचार पापड़ ये सब ले सकते हैं। तो मैं अभी बस यही खाती हूँ और इसको लेकर आपको टेस्ट बताती हूँ। खाना ले आई हूँ मैं, आहा हा क्या घी का फ्लेवर है, मज़ा आ गया। सोयम, तो अभी मैं बस खाना खाती हूँ एंड उसके बाद मिलती हूँ आपसे। काम करते करते 5 बज गए, मुझे पता भी नहीं चला, शाम को 5:30 बजे हो गए और शाम में भी मेड आती है, बट मैंने आज उसे बोला था आप सुबह आ जाओ क्योंकि मैं अकेले हूँ तो कुछ काम तो रहता है नहीं, मैं सिर्फ एक चीला खाती हूँ या फिर थोड़ी सी सब्जी बनवा लेती हूँ, वैसे ही खाना खाती हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं खाती, मतलब मीशो तो बाहर गए हुए हैं तो फिर मैं उनको वो आती है सब्जी बनाती है और चली जाती है। तो सुबह वो कहीं और आती है तो मैंने कहा आप सबका काम करके और फिर उसके बाद यहाँ पे बनाकर और तब निकल जाना, तो अराउंड 3 पे आई थी और उसने मेरे लिए सब्जी बना दी। और अभी बहुत ज़्यादा मैं थक गई काम करते करते तो मैंने कहा थोड़ा बाहर आती हूँ, हवा में बैठती हूँ, देखिए आपको वातावरण दिखाती हूँ यहाँ का वातावरण, एंड साथ में मैं कॉफ़ी पी रही हूँ वो भी दिखाती हूँ। तो अगेन ये मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ, इसमें मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाला है, एकदम कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल। उसके बाद थोड़ा सेब खा रही हूँ और मस्त इन्जॉय कर रही हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है थोड़ी थोड़ी, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ओके तो इट्स अराउंड 8:39, मैंने अपना लॉग आउट कर दिया है देखिए, एंड मैं अपना डिनर लेकर आ गई हूँ। तो खाने में क्या बनाया आज, बनाए गाजर मटर की सब्ज़ी और साथ में प्रोटीन के लिए मैंने रॉ पनीर लिया है, कोई पनीर की सब्जी वगैरह कुछ भी मैं मतलब प्रोटीन वाला एक सोर्स लेते हैं, जैसे कि दाल हो गई या फिर छोले या फिर कोई भी पल्स या एनीथिंग पनीर का कोई सब्जी, लेकिन आज मुझे कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने रॉ पनीर लिया है एंड साथ में गाजर मटर की सब्ज़ी। जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग बताया था, मैं अभी नो काब्स पे या लो काब्स पे बोलेंगे वो हैं, तो सुबह ऑफकोर्स खिचड़ी खा ली थी उसमें काब्स होता है, बट अभी आई ट्राई कि जितना मिनिमाइज हो पाए उतना करूँगी। तो अभी बस मैं ये खाऊंगी एंड उसके बाद बिग बॉस देखूंगी, वो मेन चीज़ होती है, एंड बस उसके बाद सो जाऊंगी, कल तो ऑफिस भी जाना है। ओके तो मैंने बिग बॉस देख लिया, उसके बाद मैंने नेल पेंट भी लगाई आज, देखिए फ्री बैठी हुई थी तो मुझे मन हो गया, मैंने कहा चलो नेल पेंट लगाते हैं। बिग बॉस में कुछ नेल पेंट वाला सीक्वेंस आ रहा था, एक वो नेल पेंट की बात कर रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी नेल पेंट लगा लेती हूँ, मैंने भी नेल पेंट लगा लिया। उसके बाद मीशो से फ़ोन पर बात की, मीशो आज बारबेक्यू जो रहता है ना वहाँ से खाना ऑर्डर करके वो लोग खाना खा रहे थे, उन्होंने मुझे अपना खाना दिखाया और यहाँ से ज़्यादा टाइम होता है तो मैं आज सुबह जब उठी तो वो लंच कर रहे थे, मैं तो उठी थी, मैंने सुबह की अपनी कॉफ़ी भी नहीं पी थी तो टाइम थोड़ा सा आगे वाला रहता है। तो बस अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ एंड कल मुझे ऑफ़िस जाना है तो मैं जल्दी उठूँगी तो कल आपको ऑफ़िस का ब्लॉग दिखाऊँगी कि मैंने मेरा ऑफ़िस ऑलरेडी तो दिखाया है बट बहुत अच्छे से, एंड आई थिंक कल क्रिसमस का इवेंट भी है तो बेसिकली मुझे इसीलिए जाना है तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। तो मैं ट्राई करूँगी जल्दी से ताकि जल्दी उठ के जल्दी ऑफ़िस जाऊँ, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, मुझे 3 बजे तक नींद नहीं आती, 2-3 बजे तक। तो बस अब इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ। आपको मैं पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ज़रूर करना, बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।